Kurita. Bakri. 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 Sano. Also. ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਰੀ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਲਵਾਂ ਔਰ ਰੋਟੀ ਟੁਕਿਆ ਟਾਈਮ ਆ ਲਵਾਂਗਾ काम में लाग रही सुन मने देर हो रही से कौन से काम कर लिए तने बता तो मने तो क्यों गोबर पाथ्या सानी करी बर्तन भांडे मांजे झाड़ू लगाई लत्ते भी सुखा के आई थी और गेहूं भी सुखा के आई और फिर नु कह दे से मने तो कुछ काम ना करा देख क्यों कर काम माने गिने से जब तू ये काम नु सासरे में गिन लागी ना तो तेरी सासु तेरे चोटे पकड़ के घुमा देगी नु मने तो ब्याह कराना है कोनी मां तू ए गूंथले ना आटा देखे मने वार हो से मैं तो जाऊं आज तो नबेरा है तेरा बाबू कित गया है किस काम गया है बाजगी काउ राव राव छेड़ना छन्नो बड़ी मुश्किल से चुप हुआ है फिर ताई मचा देगा की मचा देगा किस तक ना काटा ब्लाउज सके अपना तो कब का काट लिया फिर फुल्लो का काटा रामबती का काटा अब राज का काट रही हूँ चलो ना भाभी घनी देर हो रही से बस दो मिनट तुम बैठो तो गला ही तो रह गया ये तुम के लगा राखी से हमारे यहाँ तो कोई भी तुम ना बोलता जो मजा तू में है वो तुम में कित भाभी चल हट हरियाणा में आके तो मेरी बोली भाषा ही बदल गई हमारी यूपी में ननंद को बीबी जी कहें और जी ना कहें तो रूठ जाए उरे तो जिसके जी लगा दो वो ही रूठ जा सब जगह की अपनी रीत
छन्नो मक्खी तो हटा जरा। भाभी तेने बहन जी की बात नहीं सुनी के? सफाई पर इतना भाषण दिया था और तेने देख क्यों कर भिनकन लाग रही है बोतल। किसकी बात ध्यान से ना सुनी मैंने? बहन जी की। और क्या की? अब तेने जी नहीं लगाया? ओहो भाभी तू तो बात न पकड़े से। सब जी लगावे से तो मैं भी जी लगा दूं सो। और फिर बहन जी भी तो तेरी यूपी की है। इब चले ना भाभी, सब ने नया पार सीख लिया होगा? नहीं, पहले सिलाई का काम होगा, पढ़ाई बाद में। इसे मारे तू जल्दी ना कर रही? क्यों, सिलाई तो तने बहन जी ते भी अच्छी आवे है। पर ओलम तो याद हुई ना। सुन छन्नो, मैं तुझे सिलाई सिखा दूंगी, तू मुझे पुराने पाठ पढ़ा दे। उनमें तो मेरा मन बिल्कुल ही ना लगता, तू तो फटाफट सीख गई। पढ़ा दूंगी पढ़ा दूंगी, उन पाठ में की धरा से भाभी। मेरा तो ईसा जी कर ऐसे अक मैं भी बहन जी की तरिया सबने खूब पढ़ाया करूं। जा रहे अम्मा जी, मुन्ने को दूध पिला दिया, रोएगा नहीं। धागा ज्यादा खींच दोगी तो बार बार टूटेगा, थोड़ा सा ढीला छोड़ना जरूरी है। अब देखो कितनी आसानी से हो गया। राम राम बहन जी। नमस्ते नमस्ते। अभी से एक बार फिर से करो मेरे सामने। भाभी ये बात गलत है तुम्हारी। इस तरह तो ये कभी काटना ही नहीं सीख पाएंगी। अपने आप करने दो इन्हें, एक बार गलत करेंगी दूसरी बार तो सही करेंगी। लत्ता बड़ा महंगा बहन जी, एक बार गलत होगा दूसरी बार कितने लाऊंगी। तो मैंने कब कहा कि सीधा कपड़ा काटो? पहले अखबार काट कर देखो, एक खराब हो जाए दूसरा काटो, तीसरा काटो, जब ठीक से कट जाए तो कपड़ा काटो। इससे बात का तो रोना से बहन जी, इस गांव में कपड़ा मिल जा पर अखबार को ना मिले। गिने चुने तो अखबार आओ से गांव में, एक तो चौधरी के घर, एक पटवारी के घर और एक स्कूल के हेडमास्टर के घर। और चौधरी तक अखबार मांगन जाओ तो न्यू बोले से छाछ ले जा मठा महरी ले जा पर अखबार को ना दो। अखबार तो मेरा छोरा पतंग बनावे से। अच्छा अच्छा ठीक है, रद्दी अखबार मैं ला दूंगी। बस अब सिलाई का काम बंद करिए, सिलाई वाली बहन जी आएंगी तब करना, थोड़ा पढ़ लेते हैं। पांच दोहे वाला पाठ निकालिए। कहाँ है पांच दोहे? आप पे काट ले भाभी, बहन जी ने देख लिया ना तो न्यू कहेगी अपना काम आप करो। अच्छा तो आइयो मेरे पास जंपर कटाने। ओहो जी देख भावरा पड़ रही से, देख ले। देखिए बातें मत करिए। ये दोनों नगद भाभी चबर चबर करा है और तेरी जबान का भी तो ब्रेक फेल हो रहा है। ये बात गलत साफ तो बोले जाएगी और अन बोलन नहीं दे। अच्छा राज पहला दोहा पढ़ के बताओ। कारज कारज बा आते बाते बर आते बरात में। नहीं अब ऐसे नहीं चलेगा, पूरे तीन महीने हो गए आप लोगों को, पूरा पूरा शब्द एक साथ पढ़िए ऐसे नहीं। अच्छा चलिए पहले मन मन में पढ़कर देखिए फिर बताइए। मैं सुनाओ बहन जी। हाँ सुनाओ। कारज भात बरात में दिखलाने को शान जो फिजूल चरखा। चरखा नहीं खर्चा। अच्छा अब सुनिए। कारज भात बरात में दिखलाने को शान जो फिजूल खर्चा करे मूर्ख वह इंसान। ठीक है ना? कति ठीक। क्यों? आजकल जो फजूल खर्चा करो मूर्ख इंसान है। इस दोहे में यही तो बात बताई गई है कि दो या ना दो, समाज की अपने रीति रिवाज,
पर जो इंसान झूठी शान दिखाने के लिए फिजूल खर्चा करता है वह मूर्ख है। सो तो ठीक है, पर आदमी की जितनी बड़ी रजाई होगी उतने ही तो पांव फैलाएगा। रजाई ते बाहर भी पा निकालने से पा ते दूसरे के घर चले जा, रजाई अपने घर रह जा। अच्छा तो के खबर सर जी? छन्नो की माँ छोरा तो बहुत बढ़िया से। अच्छा, हर मामले में कद काठी में। अच्छा। और अगले महीने पुलिस की ट्रेनिंग में भी जागा हो। अच्छा। और ब्याह करना सा इस महीने हमने। इस महीने में? हाँ, तो चिंता ना करे। आगे बेटा आजा। आजा बेटा आजा आजा। के हो गया आज आजा आजा लगा रखी है? मैं सब जानू सू, आटा कोना गूंद कर गई थी ना, इस बात की शिकायत करी होगी ना बाबू ते। अरियो ना बताया अक मैंने लत्ते भी धोए थे, सुखाए थे, नाज भी सुखाया था, अन्यार भी काटा था। देखे भगवान, दिन तरह के थोड़े और काम सा बहुत गणा, और 26 तारीख के दिन में कितने रह गए? कुल मिला के 20 सही दिन। 26 तारीख? हाँ बेटी। क्या हो गया 26 तारीख में? तेरा ब्याह होगा बेटी। मैं कोना कराऊं ये ब्याह? मेरा कोरस पूरा 8 महीने का से, और यह बात तुमने बीरा से। ये बता बस 3 महीने का कोर्स होया है ना, पूरे 5 महीने का बाकी से। मैं कोना कराऊं ये ब्याह? मेरा कोरस पूरा हो लेन दो। कौन सा कोरस है? गणी जबाल ना चलाओ छोरी। गणे लाट पैर तो रखने का मतलब ये नहीं सक अपनी हफ्ते बाहर चली जा, और क्या करेगी पढ़ लिख के? दूसरी छोरी जाना ब्याह कर ले, घर बसा ले, सास ससुर की सेवा कर ले, इन सब में क्या जरूरत पढ़ाई लिखाई की? और 3 महीने वो भी लिए बहुत है, क्या करना सा तेने? 5 महीना मोर के हो जाएगा, तेने कोई नौकरी नाकरी तो करनी नहीं सर। बस बहुत हो लिया सर, इतने घर तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं सर। और बेटी जी छोरी का ब्याह होने वाला हो ना, वो घर तो बाहर नहीं जा करती, कुछ कायदे की बात सीख ले, पाक पकवान बनाना सीख ले, सिलाई कढ़ाई सीख ले। क्यों उड़ा के सीख रही सू मैं? कढ़ाई सिलाई तो सीख रही सू, मैं कोई मेले ठेले में जाऊं सू, खेल कूद में जाऊं सू, जो टिकना जरूरी से। अच्छा ठीक सर, तो भीतर चली जा। बात तो यही है कि ब्याह करा ले, असल बात तो वही होती है। उस गांव में भी कभी केंद्र खुलेगा तो पढ़ाइयो मेरी तरह, तू चली गई तो मेरा मन भी उछड़ जाएगा, मैं भी ना जाने की। समझ जा छन्नो, ब्याह करा ले, तू कोई सबसे न्यारी लड़की तो है नहीं। Thank you.
बहन जी मेरा बाबू तो बहुत सख्त आदमी से बहन जी उससे समझाना तो बहुत टेढ़ा काम से कोशिश करके देखते हैं चिंता की क्या बात है राम राम चौधरी साहब राम राम बैठो ताई राम 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 चौधरी साहब आप तो जानते ही होंगे मैं आपके पास क्यों आई हूँ मन्ने के सपना वैसे तो क्यों आई से देखिए छन्नो अगर कोर्स पूरा कर लेगी तो उसकी जिंदगी के लिए उसके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा जमाना बदल गया है चौधरी साहब बिना पढ़े लिखे की कोई कदर नहीं है खेती बाड़ी भी अच्छी हो अगर पानी की बीज की खाद की बात पढ़ना सीख जाए अब बिना पढ़ी लिखी औरतों के बच्चों को देखो उजड़ मूर्ख से घूमते फिरते हैं मैं तो कहूंगी चौधरी साहब आदमी से भी ज्यादा औरत का पढ़ना जरूरी है ब्याह के बाद जिस घर जाए हुलिया बदल के रख दें पूरे कुनबे का हारी बीमारी की सफाई की बच्चों की पशुओं की सबकी देखभाल का सलीका आ जाता है जिंदगी बदल जाती है चौधरी साहब और बोल देखिए अगर दिखा के दिखा रही है मुझे लगता है आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते और के मैं कान में रुई दे रहा सुन सुन तरह है सुन मेरा मतलब था अगर आप ठहर जाते थोड़ा शादी के लिए देखिए कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए मैं भी पूरा काम कर रहा सुन और ब्याह तो बड्डा के कोई काम हो से एक बात ध्यान तो सुन ले जय यू छोरा हाथ लिख जा तो और ढूंढ के ला देगी तो यू तो ब्याह मैंने करना है इसे अच्छा चौधरी साहब मैं अब चलती हूँ क्यों चाय चू पी के जा नहीं चौधरी साहब मेहरबानी आप आजा छन्नो लगता है तेरे बापू ने तो अटल फैसला कर रखा है पर कानून के हिसाब से देखा जाए तो वो तेरी शादी अभी कर नहीं सकता क्यों कर तेरी उम्र अभी 18 साल की नहीं हुई इस साल की 17 अगस्त को होगी लेकिन उसमें अभी पूरे 6 महीने बाकी हैं इससे क्या फर्क पड़ा है बहन जी हमारे गांव में तो 12-13 साल की छोरियां नए ब्याह से वह महीपाल की छोरी से ना 14 साल की थी वह अभी 5 महीने ब्याह दी है तो गैर कानूनी अगर पुलिस को पता चल जाए तो पकड़ कर ले जाएगी कड़े लिख रखा से पुलिस पकड़ ले जाएगी क्यों कानून की किताबों में लिखा है और वो जो तेरी प्राइमर है उसमें भी तो लिखा है ना लड़की 2 + 20 की और लड़का 20 + 1 ठीक से बहन जी बाबू बाबू तेने पुलिस पकड़ ले जाएगी मन्ने को पकड़ ले जाएगी बेटी देखिए 18 साल तक कम की छोरी का ब्याह ना कानूनी जुर्म हो से पुलिस पकड़ ले जाएगी किताब में भी लिख रखा से देख ले बेशक तो उस महीपाल ने को ना पकड़ लेगी पुलिस महीपाल की छोरी की पैदा होने की तारीख सरकार ने थोड़ी ना बेरा से और तेरी पैदा होने का बेरा से सरकार ने और के फार्म ना भरा था केंद्र का बस सरकार ने मेरे पैदा होने की तारीख बेरा पाटगी 18 साल में पूरे 6 महीने कम से देख देख सीधी कर लेना इसने उल्टी पकड़ रखी से ये देख इसमें पुलिस खड़े लिख रहे कैसे देख ये और लिख रखा देख छोरी क्यों गणी बेकूफ बनावस है इसमें खड़े लिख रखा कैसे पुलिस इसमें को ना लिख रखा कानून की किताब में लिखा से पूछ ले किसे तेवी मेरा बाबू कभी नहीं मानता अगले महीने मेरा ब्याह करना चाहो से यो कोरस क्यों कर पूरा होगा अनपढ़ रह जाऊंगी मैं ते अनपढ़ रह जाऊंगी मैं ते तमे कुछ करो ना
समझा दो ना मेरे बाबू ने उठा दो तो उसने समझा दियो अनपढ़ जल्दी लेते कानून से और खरा से वो तो सरकार ने हमारे गांव की गड़बड़ियों का बेरा को ना पाटे ना ते एक एक के हथकड़ी लाग जा हथकड़ी देख भाई चौधरी न्यू छोरिया की शक्ल देखे तो छोरिया का उम्र का पता कोना लगता और फिर सरकार दो रखो फिर कोरिया जय सरकार ने उम्र का पता लग जा तो फिर फेरा के बेचारा इशारा फड़ा गिर दे अक जान पाट जा कुछ आई समझ में के बाबू मारा जमाई भी तो पुलिस में काम करा है इसमें डर नाली बता कौन सी बात से छोटा सा तो यो काम से वो न करा देगा क्यों खाम खाम परेशान हो रहे हो तुम तो के चाव से काम अपने जमाई तो पहले घर कानूनी काम करवा दे तनिया भी बेरा से हमारे जमाई की ट्रेनिंग 6 महीने में पूरी हो जाएगी और छोरी का कोर्स भी पूरा हो जाएगा उस टाइम ताई समझी यू ब्याह 6 महीने तो पहले कति नहीं हो यू मेरा अटल फैसला है